यह एक श्रापित औरत की कहानी है। गांव से कुछ ही दूर पर एक टूटा फूटा घर है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह एक खंडहर है, जिसे गांव वाले डायन का घर बताते हैं, कोई इसे काली चुड़ैल का घर बताते हैं, कोई इसे श्रापित औरत का घर बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ की हवा भी इतनी डरावनी है कि अगर आप यहाँ से गुजर जाए तो आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। यहाँ रात में क्या, आप दिन में भी जाने से डरेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि यहाँ एक औरत रहती थी जो बांझ थी, जिसके बच्चे नहीं थे। उसके घर वाले उससे काफी परेशान थे, उसके दौलत के खातिर उसे परेशान किया करते थे। उसके घर वालों ने ही उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वह औरत बेसहारा हो गई और गांव से ही कुछ दूर जाकर एक जंगल में घर बनाकर रहने लगी। वह काफी खूबसूरत थी, इसीलिए कई लोग उसके दीवाने थे। संजोग से उसे एक लड़के से प्रेम हो गया। अवैध संबंध के कारण वह मां बन गई। जब घर वालों को इस बात की खबर हुई तो वह काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि इस घर का वारिस पैदा हो गया। उन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और रात में ही उस घर को उस बच्चे के साथ आग लगा दी। जब वह औरत जल रही थी और रो रही थी तो चीखते हुए उसने श्राप दिया कि मैं फिर लौट कर आऊंगी और तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये काफी समय बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर जब गाय भैंस चराने के लिए लोग जाया करते थे तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी, किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती थी जो काफी कष्ट में लगती थी। कई लोग वहां जब देखने गए तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। कई बार लोगों को दूर से एहसास होता था कि कोई वहां रो रहा है और बैठकर बच्चे को अपने गोद में खिला रहा है। जब वहां नजदीक जाकर देखते थे तो वहां कुछ नहीं था, एक सरसराहट हवा जो बेकाबू किसी के शरीर को छूती हुई निकल जाती थी, तो उसे एहसास होता था डर का, एक भयानक डर का। धीरे धीरे यह गांव में अफवाह फैल गई कि यहां एक औरत रहती है जो श्रापित है, जिसने श्राप दिया है वह वापस आ गई है। गांव वालों ने तांत्रिक बुलवाकर पूरे जगह को बंधवा दिया ताकि वह औरत उसी में कैद रहे। आज भी उस जगह पर उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह औरत आज भी बदला लेना चाहती है, पर वह श्राप के कारण वह बाहर ना जा सकती है, न उसकी आत्मा स्वर्ग जा सकती है, वह श्राप में पीड़ित है। कहानी कैसी लगी एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और बेहतर कहानी लेकर आऊं और सच्ची कहानी लेकर आऊं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।